अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी विषय मराठी संयुग मध्ये कविता क्रमांक 10 जीवन सुंदर करो या कवितेचा आज आपण स्पष्टीकरण करणार आहोत। चला तुम्ही तुमची पुस्तके काढा आणि पान नंबर 35 वर बघा। एका वाचा मन। चला आपण सुरुवात करूया। मानवतेच्या विचारांच्या वसा मनी हो धरू, जीवन सुंदर करू बड़ो जीवन सुंदर करू। म्हणजे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि मानवतेच्या विचारांच्या वसा मनी हो धरू। मानवतेच्या से मुराद क्या है? मानवतेच्या आप पेंसिल लीजिए और उस पर और उर्दू में लिख लीजिए उसके माने कि मानवतेच्या यानी क्या? इंसानियत। सबसे पहले हम इंसान होने के नाते हमें इंसानियत ये हमें आनी चाहिए कि इंसानियत समझनी चाहिए। इंसानियत क्या है? और वसा हमने एक अहद करना चाहिए। वसा ने अहद करना, वसा वो धरू जीवन सुंदर करूँ कि मैं इंसान होने के नाते मेरी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजारूंगा, बेहतर तरीके से इंशाल्लाह मैं मेरा काम करूंगा। और नीचे देखो, नीचे की लाइन में दूसरा मिसरा क्या है? झटकुन टाकू आड़स सारा चैतन्य जागवे पहाट वाला। झटकुन टाकू आड़स सारा यानी कि मेरे अंदर की जो काहिली है, जो दिली है, जो आलसी बना है, जो ऐसी बना कामचोर बना है, वो मैं पूरा निकाल दूं। निकाल कर जो तो मैं मेरे अंदर चुस्ती फुर्ती और एक जहनी आजमाइश को जो है तो पैदा करके मैं मेरा काम अच्छे से करो। और हर तरफ चैतन्य ने खुशियां, हर तरफ खुशियां खुशियां हो, काम करने में आसानी हो, खुशियां मिले, ऐसे में काम करो। और रोज देखो नेक्स्ट लाइन, रोज पहाटे लौकर उठूनी न्याय सागरी फिरू, जीवन सुंदर करू गड़ानो जीवन सुंदर करो। यानी मैं रोज पहाटे यानी रोज सुबह जल्दी उठकर जो तो न्याय सागरी करूँ, जहां पर मालूम खजाना मिले मुझे, जहां पर मालूम मिले, ज्यादा ज्यादा किताबें मिले, किताबों का मुताले करने के लिए वक्त मिले, ऐसा मैं काम करूं, जीवन सुंदर करूं बढ़ाए ना दोस्तों, जीवन सुंदर करूं, जिंदगी खूबसूरत बनाऊ, खूबसूरत करूं। ये अब नेक्स्ट देखो, ग्रंथ गुरुंची संगत ठेऊ ज्ञानजनांचे पानी पिऊ, होऊन गेले अनेक महात्मे मात त्यांच्या अनुसरू। देखो ग्रंथ गुरुंची संगत ठेऊ यानी कि किताबों की संगत, मैं हमेशा किताबों की संगत में रहूं। लाइब्रेरी जहां पर है, अखबार उर्दू अखबार मराठी अखबार जहां पर मिलते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा जो तो उसे पढ़ूं, किताबों का मुताला करूं और अपनी मालूमात में अपने अंदर अपने किरदार में जो तो बेहतर इंसान को पैदा करूं। और जो अनेक मात में होंगे जो अच्छे इंसान थे, जो जिंदगी अपनी जिंदगी में जिन्होंने अच्छे कारनामे में अच्छे काम करके दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाम आज भी हम जिंदा है हमारे दिलों में और उनके काम को हम जो तो सही समझते, तो ऐसे हम भी काम अंजाम दें ताकि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद कर सके हमारे काम को, नहीं ये फला शख्स बहुत अच्छा था, उसने नहीं भी था एक अच्छा काम कर कर गए। और नहीं देखो, संकट येता करू सामना धैर्य देऊ या आपल्या मना, जीवनाच्या धैर्य पासून कधी न मांगे सरू, जीवन सुंदर करू बड़ानो जीवन सुंदर करू। यानी धैर्य यानी क्या? संकट है, परेशानी बहुत आती है, अच्छे काम करने के लिए परेशानी आती है, लेकिन अपने को धैर्य होना चाहिए, अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए, हम जो है जो परेशानियों को हिम्मत से हमने मुकाबला करके जो है हमारे काम को अंजाम देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट देखो, नवे युगाचे ज्ञान वाढवो आपणच आपले जीवन घडवू, कर्तृत्व्याने आपण सारे भारत भूषण ठरू, जीवन सुंदर करू बळ्यांनो जीवन सुंदर करू। जो है तो पहले बच्चे यहाँ पर आखिरी पद में कवि लेखक कवि कह रहे चलो नहीं के मैं नए जमाने के हिसाब से चलू, नए जमाने का आजकल जो जमाना है टेक्निकल जमाना है, साइंसी दौर है, कंप्यूटर का दौर है, तो मैं उस बिना मुझे जो है तो कंप्यूटर पे आना चाहिए, हर मालूम में मैं आगे अपडेट रहूँ, ऐसा काम करूँ और मैं फिर इंशाल्लाह मेरे घर के लिए भी, मेरे स्कूल के लिए भी और आखिरकार मेरे देश के लिए भी मैं कुछ अच्छा काम करूं और मुझे भारत रत्न से भी नवाजा जाए, ऐसी मैं अपने दिल में ख्वाहिश रखते अपनी जिंदगी को सुंदर खूबसूरत बनाऊं। तो पहले बच्चों यहाँ पर जो है तो हमारी कविता जो है तो खत्म होती है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कविता आज यहाँ पर समझ में आएगी। ठीक है, खुदा हाफिज़।